केशव प्रसाद मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके गांव कौशाम्बी स्थित सिराथू में काफी खुशी का माहौल है और लोग काफी खुश हैं। कौशाम्बी से संवाददाता बाकर की रिपोर्ट देखिए। बाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकर देखिए, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य हारे जरूर हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने डिप्टी सीएम पद की दोबारा से शपथ ली है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके गांव में खुशी का माहौल निश्चित रूप से होगा। उनके जो सहयोगी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज खुशी मना रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाने पर और शाम्बी के खासतौर से सिराथू की जहां तक बात की जाए तो यहां खुशी का आलम कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किस कदर है उनके प्रशंसकों में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हार हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है कार्यकर्ताओं में या उनकी कन्वेंसिंग को लेकर, तो इसे बड़ी चूक माना जा रहा था। सारे लोग निराश हो गए थे रिजल्ट आने के बाद कि आखिर डिप्टी सीएम कैसे हार गए हैं, जिससे काफी मायूसी थी। लोगों ने अपनी होलियां तक नहीं मनाई थी, ज्यादातर लोगों ने होलियां इसलिए नहीं मनाई दशक से केशव मौर्य को हमेशा से जिताते चले आए हैं और अपना समर्थन देते चले आए हैं, लेकिन ये अधूरी होली उनकी थी। आज उन्होंने जाकर, आज शाम में जाकर पूरी तरीके से होली मनाई है कौशाम्बी में। कौशाम्बी में आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शीतला धाम में सुबह से ही तांता लगा हुआ था मंदिर में। मंदिर में लोगों ने 3.25 क्विंटल पहले दूध चढ़ाया है माता शीतला के दरबार में, उसके बाद फल चढ़ाए, मिठाइयाँ चढ़ाई है और साथ में शाम में होली खेली है पूरे लोगों ने मिलकर। जी बिल्कुल। और देखिए, सिराथू से वो हारे जरूर थे बाकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तत्परता, उनके कार्य को तरजीह दी गई है और एक बार फिर से मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है। डिप्टी सीएम के रूप में आज उन्होंने फिर से शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं उनकी तत्परता को देखा जा रहा है, उनके काम को देखा गया है मंत्रिमंडल में। जी बिल्कुल, मैं जो मूल सुविधाएं नहीं थी वो मौके के बदौलत ही बल्कि सिराथू न गई है, शाम आसपास में हिल ये कि उन्हीं की दिन है ये कही जा सकती है। सबसे मेन चीज ये होती है कि जो ब्रिजेस बने हैं, हाईवे बने हैं या लिंक रोड जो बने हैं, निर्माण कार्यों पर बहुत ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य ध्यान दिया है, जिसका नतीजा जो उनकी प्रसन्न इस तरीके को सामने देखने को मिल सकता है। कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि हार जाएंगे, हारने के बाद पूरी छा गई थी कौशाम्बी में खुशी पुनः बनाए जाने पर ये खुशी मान लीजिए फिर से दोबारा मिल गई है प्रशंसकों को। जी बिल्कुल। तो देखिए, सिराथू में निश्चित रूप से उनके घर घर के बाहर जो तमाम लोग हैं वो काफी खुश हैं, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से डिप्टी सीएम के रूप में आज केशव प्रसाद मौर्य ने ये शपथ ली है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बाकर आपका पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं।